हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं जयंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेल एडवेंचर में। सब्सक्राइब कीजिए रेल एडवेंचर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं भागलपुर से साहिबगंज तक थोर इलेक्ट्रिफिकेशन के ताज़ा तरीन स्थिति के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। बोरीडंगा लिंक केबिन जो मालदा से लेकर हावड़ा लाइन और क्यूल होते हुए भागलपुर साहिबगंज होते हुए हावड़ा की ओर जाने वाली लाइन को दोनों को कनेक्ट करता है, जो कि बरहड़वा से 4 किलोमीटर दूर स्थित है, वहां से लेके बरहड़वा साहिबगंज भागलपुर होते हुए जमालपुर होते हुए क्यूल तक 228 किलोमीटर की दूरी में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य 2016 के बजट में सैंक्शन किया गया था, जिस पर पहली बार कार्य सितंबर 2017 में स्टार्ट किया गया और उसमें से पहले फेज में क्यूल से भागलपुर 99 किलोमीटर की दूरी में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य इसी साल फरवरी माह में कंप्लीट किया गया और मार्च में 14-15 मार्च को CRS कराया गया और 2 जून को उस पर पहली बार इलेक्ट्रिक लोको के साथ ट्रेन चली। वो विक्रमशिला सुपरफास्ट पहली ट्रेन बनी जो इलेक्ट्रिक लोको के साथ इसका परिचालन स्टार्ट हो गया है। अगले फेज में साहिबगंज से लेकर बोनीडंगा लिंक 59 किलोमीटर की दूरी का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य लगातार प्रगति पे है, जिसमें से 20 किलोमीटर का कार्य बोनीडंगा से लेकर 3 पहाड़ तक करा लिया गया है और अगला 40 किलोमीटर का कार्य जल्दी ही अगस्त में इसका CRS करा लिया जाएगा। और भागलपुर से साहिबगंज जो 73 किलोमीटर की दूरी है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। भागलपुर के आउटर का आप देख पा रहे हैं, ये सारा सिग्नल सारे पोल्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं और काफ़ी तेज़ी से ये काम प्रगति पे है और इसका टारगेट मार्च 2020 है। मार्च 2020 में ये टारगेट पूरा करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पोल्स वगैरह लगा दिए गए हैं, होल्स सारा सीमेंट कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और वीडियोज़ लाता रहूँगा।